हाय, मैं हूँ डॉक्टर सबा यूनुस। आज है 10th of December, यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, जो कि हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस साल की थीम है कंसोलिडेटिंग एंड सस्टेनिंग ह्यूमन राइट्स कल्चर इनटू द फ्यूचर। यूनाइटेड नेशंस ने 10th of December 1948 में मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें प्रथम बार यानी कि पहली बार मानव के अधिकारों की बात करी गई थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस दिन की घोषणा 1950 में की गई, वहीं भारत में 1993 में मानव अधिकार कानून अमल में आया गया और 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। लेकिन क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 अक्टूबर 1948 में इसका घोषणा पत्र जारी कर दिया गया था, इसलिए विश्व भर के देशों में यह दिवस 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। मानव अधिकार का अगर हम अर्थ समझें तो आसान शब्दों में ये है कि सभी मानवों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। किसी भी आधार पर उनके साथ अन्याय या दुर्व्यवहार एक्सेप्टेबल नहीं है। सभी मानवों को खुशी खुशी शांति से अपना जीवन यापन करने का अधिकार है, ये मानवाधिकार में मेंशन है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से मानवाधिकार हैं जो हमें इज्जत से जीने का हक प्रदान करते हैं। हमारे संविधान में कहां कहां पे क्या क्या मेंशन है, हम उन पॉइंट्स पे बात करते हैं। यहां पे हम बात करेंगे जो हमारे भारतीय संविधान में मानवों के लिए मूल अधिकार दिए गए हैं, जो हमारे मानव अधिकार की श्रेणी में आते हैं। ये मुख्यतः 6 हैं। तो पहला है समानता का अधिकार, जो कि संविधान के आर्टिकल 14 से 18 में मेंशन है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 22 में मेंशन है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मेंशन है आर्टिकल 23 और 24 में। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 में ये मेंशन है। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आर्टिकल 29 और 30 में मेंशन है। और लास्ट जो कि छठा हमारा मौलिक अधिकार हमारे संविधान में हमें मानव अधिकार प्रदान करता है, वह है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में मेंशन है। तो ये तो हमारे मूल अधिकार हैं जो कि भारतीय संविधान में मेंशन है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे उन मानव अधिकारों के जो कि महिलाओं से संबंधित हैं, जो कि महिलाओं को इज्जत से जीने का हक प्रदान करते हैं। और ये बताने के लिए मैं अब आमंत्रित कर रही हूँ हमारी मेट्रन डॉक्टर NM निगम मैडम। तो सुनिए उनको और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। थैंक यू डॉक्टर सबा यूनुस, आपको भी आज के ह्यूमन राइट्स दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मैं अपनी समस्त देश की समस्त नारियों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे देश के संविधान में नारियों की सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए बहुत से प्रयास किए गए हैं और वो प्रयास निम्नवत हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया है कि नारी व पुरुष समान है। आर्टिकल नंबर 15 के अनुसार धर्म के भेद पर, जाति और लिंग के भेद पर या उनके जो संप्रदाय है उनके भेद पर किसी भी प्रकार का नारी और पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाएगा। रोजगार के अवसर उन्हें समान रूप से प्राप्त होंगे एवं रोजगार के लिए जो भी वेजेस होते हैं, जो भी वेतन होता है, वो उनको पुरुष के बराबर मिलेगा। साथ ही नारियों को एक निर्बल कहा गया है, अबला कहा गया है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि नारी के पास अपने
संसाधन नहीं है, आर्थिक संसाधन नहीं है, उनके पास रुपए नहीं है कि वो अपने न्याय का दरवाज़ा खटखटा सकें और अपनी बात कह सकें। तो ऐसे ऐसी स्त्रियों के लिए भी सुरक्षा का कानून बनाया गया है ताकि वो मुफ्त में कानून की सुविधा प्राप्त कर सकें। मातृत्व का अवकाश आप ले लीजिए, शिशु की देखभाल का अवकाश ले लीजिए, इस तरह के शोषण के विरुद्ध का अधिकार ले लीजिए सब। और कहीं भी वो अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ कार्य कर रही हैं वहाँ भी उनको ये अधिकार मिला हुआ है कि उनके प्रति कोई भी अपमानजनक व्यवहार ना करे, कोई बुरा भला उनको ना कहे। तो इस तरह के जो अधिकार हैं वो आपको दिए गए हैं, आप उनके लिए सतर्क हों, उनके लिए अवेयर हों ताकि एक सम्मानपूर्वक जीवन आप व्यतीत कर सकें। साथ ही आपको एम्पावरमेंट के लिए भी सरकार ने प्रयास किए हुए हैं। पंचायत हुआ, आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वहाँ पर एक तिहाई सीट्स हमारी बहनों के लिए सुरक्षित हैं। तो इन अधिकारों का प्रयोग करें और एक सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करें। प्रायः देखा जाता है स्त्रियां शोषण का शिकार हैं, रेप के केसेस आजकल रोज़ ही सुनाई पड़ते हैं, रोज़ ही किडनैपिंग और एबडक्शन के केसेस होते हैं, और हम रोज़ ही सुनते हैं कि दहेज के लिए लड़कियों की हत्या की जा रही है, बहुओं की हत्या की जा रही है। तो इस तरह के जो प्रयास हैं टॉर्चर करने के लिए, मेंटल टॉर्चर्स हो रहे हैं, फिजिकल टॉर्चर्स हो रहे हैं, मोलेस्टेशन के केसेस आ रहे हैं, साथ ही सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस आ रहे हैं, ये सारे केसेस हमें किस बात की ओर ले जाते हैं कि आज के समाज में जो हमारी स्त्रियां हैं वो निहायत असुरक्षित हैं। तो कैसे सुरक्षा उन्हें दी जा सकती है? तो जितनी भी मैंने आपको अभी केसेस गिनाए हैं, हमारे IPC के सेक्शंस हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं जो कि आप जाएंगी बुक्स में तो आपको मिल जाएंगे, तो उन सेक्शंस के माध्यम से आपको सुरक्षा प्रदान की गई है। साथ ही हमारे देश में हमारी स्त्रियों की सुरक्षा के लिए उस फैमिली कोड्स बनाई गई हैं, इमोरल ट्रैफिक एंड प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया है, मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट बनाया गया है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अवांछित प्रेगनेंसी जब हो जाती है उसको भी टर्मिनेट करने के लिए आपको लीगल अधिकार दिए गए हैं। साथ ही चाइल्ड मैरिज जो कि स्वयं में बहुत बड़ी कुप्रथा है उसको भी रोकने के लिए एक्ट बनाया गया है। अगर आपके किसी भी प्रकार से आपके शरीर का अभद्र प्रदर्शन किया जाता है उसके विरुद्ध भी एक्ट है हमारे संविधान में। जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है जिसकी ज़्यादातर महिलाएं शिकार होती हैं उसके विरुद्ध भी कानून बनाया गया है। और आप भली भांति जानती हैं कि पहले सती प्रथा थी जिसमें कि आवश्यक रूप से पत्नी को पति के साथ जल जाना पड़ता था, उस प्रथा को एबॉलिश करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। तो कानून ने आपको सशक्त बनाया है, उस सशक्त कानून का अधिकार आपके जो अधिकार हैं उनका प्रयोग करें एवं सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करें। आपकी व्यथा को सुनने के लिए नेशनल कमीशन फॉर वेमेन भी है, महिला आयोग भी बनाया गया है ताकि आप अपनी जो भी समस्याएं हैं जो कि लोकल में स्थानीय आपके जो भी प्रशासन है उसके द्वारा नहीं भी सुनी जा रही हैं तो भी आप उनको उन तक पहुँचा सकती हैं, महिला आयोग तक पहुँचा सकती हैं ताकि न केवल आप सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें। शिक्षा प्राप्त करके एक नई ज्योति आपके जीवन में आ जाएगी और आप स्वयं सशक्त होकर अपना और अपने परिवार का लालन पालन पोषण कर सकेंगी। मित्रों, आपके सशक्तिकरण से, आपके प्रयासों से, आपकी शिक्षा से पूरा देश हमारा जागृत होगा और देश हमारा उन्नत होगा। जिस देश की नारी शिक्षित है वही देश विकसित है। धन्यवाद।